गुड मॉर्निंग गाइस। सो कुछ इस टाइप से होती है मेरी मॉर्निंग, इस ब्यूटीफुल से व्यू को देखते देखते। आपकी मॉर्निंग कैसी होती है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो उठने के बाद मैं फ्रेश होके एक ग्लास नॉर्मल पानी पीती हूँ। वॉर्म वाटर नहीं लेती हूँ मैं, नॉर्मल वाटर ही लेती हूँ, बिकॉज हमने पूरी नाइट से जो है वाटर नहीं पिया रहता है तो बहुत प्यास भी लगती है, एंड मॉर्निंग में नॉर्मल पानी पीना अच्छा भी रहता है। सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। एंड पानी पीने के बाद में देन मैं अपने ट्रैक पैंट्स एंड शूज़ वगैरह पहन के थोड़ा सा वॉकिंग करने जाती हूँ मॉर्निंग में। सिर्फ हाफ एन आवर वॉकिंग करना इज़ इनफ। सो वॉकिंग के बाद में जैसे ही मैं घर आती हूँ तो मैं तुरंत कुछ घर के काम होते हैं वो कर लेती हूँ। मॉर्निंग में ही अगर नहाने से पहले ये सारे घर के काम जो झाड़ू वगैरह है वो सब कर लो तो ईजी रहता है। सो मैं तो प्रीफर करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में ही ये सारा काम फटाफट से कर लूँ, क्योंकि इसके बाद में जो है मुझे ऑफिस के लिए लॉगिन भी करना पड़ता है एंड खाना वगैरह बनाना रहता है। सो ये सब मुझे बाद में टाइम नहीं मिलता है। सो मैं मॉर्निंग में ही फटाफट से ये सब कर लेती हूँ नहाने के पहले। तो झाड़ू लगाने के बाद में जितने भी बर्तन रहते हैं जो धोने के लिए रखने वो मैं रख देती हूँ ड्राई बाल्कनी में। सो मेड आके वो क्लीन कर लेती है। देन जितने भी वॉश किए हुए यूटेंसिल्स रहती है वो मैं अपने उनकी जगह रख देती हूँ। सो जैसे ही वो सब होता है मैं जितना भी किचन का काम है वो सब ख़त्म कर लेती हूँ, यानी कि किचन क्लीन करना, पूरा जो काउंटर है वो पूरा क्लीन कर लेती हूँ। डेली अगर इतना भी क्लीन करो तो भी बहुत है, क्योंकि फिर बाद में वीकली जो है काफ़ी फिर काम बढ़ जाता है अगर एकदम से सारा काम करने बैठो तो। सो इसलिए मैं डेली ये पूरा रूटीन ही रखती हूँ कि मैं पूरा किचन जो है अच्छे से क्लीन रखूँ। तो उसके बाद में जो है मैं गीज़र ऑन करती हूँ नहाने के लिए, एंड जब तक पानी गर्म होता है तब तक ये जितने भी ड्राई वाले क्लोथ्स रहते हैं मैं उनको जो है लेके फोल्ड करने लगती हूँ। देन मैं नहाने जाती हूँ, नहाने के बाद जितने भी क्लोथ्स रहते हैं वो सारा मैं मशीन में लगाती हूँ, एंड फिर उसी के बाद में जो मैं थोड़ा सा स्किन केयर अच्छे से कर लेती हूँ। सो स्किन केयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं बहुत अच्छे से जो है स्किन केयर करती हूँ। एंड उसके बाद में जो मैं डेली जो है परफ्यूम भी लगाती हूँ जिससे जो है बहुत ही अच्छा फ्रेश फील होता है। एंड उसके बाद में जो मैं थोड़ी सा बालकनी में व्यू एंजॉय करते करते अपने हेयर्स को अच्छे से टाई कर लेती हूँ। एंड उसके बाद में जो है प्लांट्स को भी वाटर करती हूँ, क्योंकि पूरे जो है दिन भर सूख जाते हैं। सो मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ कि पहले प्लांट्स को अच्छे से पानी डाल दूँ। मैंने वैसे ज़्यादा प्लांट्स नहीं रखे क्योंकि मुझसे फिर वो ज़्यादा केयर नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, कुछ कभी कुछ होता है, कभी भूल जाते हैं पानी देना। तो मैं ज़्यादा प्लांट्स नहीं रखा है। फिर भी मेरे पास जो है मनी प्लांट है, एक तुलसी है, देन ये एक शो प्लांट है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। सो मेरे पास ये है, ये एक और प्लांट है शो वाला ही है, बट इसके लीव्स काफ़ी ज़्यादा झड़ गए, तो जो भी है ये है। सो बस इतने ही हैं मेरे पास में प्लांट्स, मैं उन्हीं को ही थोड़ा सा अच्छे से रखती हूँ। तो प्लांट्स को जो है अच्छे से वाटर करने के बाद में मैं खुद भी एक दो ग्लास अच्छे से पानी पी लेती हूँ, बिकॉज हाइड्रेट रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ काम हो गया है सुबह से, लाइक मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर कर ही दिया है कि मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है। सो मैं आपको फुल डे रूटीन बताने वाली हूँ कि मेरा फुल डे रूटीन कैसा रहता है वर्क फ्रॉम होम से। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो 2:15 हो रहा है। सो अभी ऑलमोस्ट जो है सारा काम ख़त्म हो गया है, एंड अभी जो है मुझे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है बिकॉज आई एम हंग्री नाउ। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं देखते लंच की तैयारी, आज मुझे पास्ता खाने का मन हो रहा है लंच में। सो लेट्स सी कि पास्ता बनाएं या फिर रोटी सब्जी कुछ बनाएं, लेट्स सी। एंड या आज मैं क्या खाऊं, लेट्स सी। सो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं मैगी बना रही हूँ। मैं यूजुअली मैगी नहीं बनाती, बट आज जब मन कर रहा है सो मैं मैगी खाऊंगी।
मैं धीरे बात कर रही हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। सो सो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैगी एंड एक कप चाय। सो यूजुअली जो है मैं ब्रेकफास्ट करते करते अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ। मैं थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देखती हूँ या फिर यूट्यूब, मोस्टली यूट्यूब ही देखती हूँ मैं इस टाइम पे। सो ब्रेकफास्ट होने के बाद में मैं पूजा करूँगी। मुझे मॉर्निंग में सारे काम करने के बाद में, नहाने के बाद में अच्छे से पूजा करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश पॉजिटिव माइंड लगता है। पूजा करते टाइम दिया और अगरबत्ती लगाने से पूरे घर में जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। सो बहुत ही अच्छा फील होता है। सो जैसे ही पूजा ख़त्म होती है मेरी, तब तक उतने में जो है मैंने जो मशीन लगाई होती है मॉर्निंग में, तो वो भी सब हो जाता है। तो उसी के बाद में जो है मैं सारे कपड़े को जो है सुखाने के लिए रख देती हूँ। गाइस, तो मैंने जो है ना सारा काम ख़त्म कर लिया अपना, एंड बस अभी कुकिंग बाकी है। पूरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ है, बस कुकिंग बाकी है। एंड कुकिंग में मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पास्ता बनाऊँ, वाइट सॉस पास्ता की तैयारी करने वाली हूँ। सिर्फ पास्ता ही बनाऊँगी बिकॉज मेरा मन है पास्ता खाने का। सुबह मैगी का ही अभी पास्ता खा रही हूँ। सो मुझे जो है थोड़ा सा खाने का मन कर रहा था, सो आई थॉट कि लेट्स कुक पास्ता ओनली। सो अभी जो है 11:40 हो रहे हैं, तो 12:30 बजे जो है मेरा लॉगिन करना पड़ता है मुझे ऑफिस के लिए। सो लाइक मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं 12:30 बजे लॉगिन करूँगी डॉट। तो उसके पहले अभी 1 घंटा है ऑलमोस्ट, तो तब तक बन जाएगा आराम से। एंड मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुकिंग, मतलब जो भी उसके जो वेजिटेबल्स एंड ऑल है वो सब चॉप करके रख दूँ, एंड जब ब्रेक टाइम आता है लंच ब्रेक, तो उस टाइम पे फिर जो है मैं बनाऊँ, तो वो गर्म गर्म अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी बना के रखूँगी तो 2 घंटे बाद, यानी ऑलमोस्ट 2 बजे हमारा लंच ब्रेक होता है, तो 2 बजे तक तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। सो मैं सोच रही हूँ कि तब मैं प्रॉपर कुक करूँगी, बट अभी सिर्फ जो भी वेजिटेबल्स एंड ऑल हैं वो सब चॉप करके रख दूँ। सो या लेट्स गो। सो मेरे पास ये है पेनी पास्ता, तो ये 100% जो है सेमोलिना के है, यानी रवा वाले हैं इन्ग्रीडियंट्स, सेमोलिना 100%। सो विच इज़ वेरी नाइस, तो आप ये खा सकते हो, का कैलेस्ट्रॉल 0 है। या आप इन्ग्रीडियंट्स देख सकते हो। सो अभी मैं पास्ता ही बनाऊँगी। सो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं खाना बाद में बनाऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वेजिटेबल चॉप करने के लिए भी। सो अभी काट के रखने से कोई मतलब नहीं है, 2 घंटे तक उसको रखना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि बाद में ही मैं चॉप करके डायरेक्ट कुकिंग स्टार्ट कर लूँ। सो अभी मेरे पास जो है टाइम है, सो अभी मैं यूट्यूब वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ इसी टाइम पर जनरली, क्योंकि 1 घंटा होता है मेरे पास में। सो मैं जो एडिटिंग है वो फ़ोन पे ही करती हूँ अपने। सो मैं वॉक के साथ में शूट नहीं कर, जो भी उसकी शूट वीडियो है मैं आपके साथ में नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मैं फ़ोन पे ही शूट करूँगी एंड फ़ोन पे ही एडिट करूँगी, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो या अभी है मेरे पास में टाइम, तो मैं फटाफट से यूट्यूब की वीडियो एडिट कर लेती हूँ एंड
फिर 1 बजे जो है, सॉरी 12:30 बजे जो है मेरा ऑफिस का काम स्टार्ट होगा, तो एक छोटी सी गेम सुनो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। एंड उसके बाद में 2 बजे जो है लंच ब्रेक होता है, सो तब मिलता है। याद है कि मेरे पास पास्ता बनाने के लिए कॉर्न भी नहीं है, देन ब्रोकली भी नहीं है। चलो ब्रोकली का थोड़ा सा ऑप्शनल है, बट मेरे पास में चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो भी नहीं है, सो उसके बिना तो नहीं बन पाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। सो आई थॉट कि वो प्लान थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं, कल बनाते हैं। एंड अभी जो है मैं रोटी सब्जी बनाती हूँ, फिर अभी मुझे पूरा आटा गूंदना पड़ेगा। एंड मैं आज सोच रही कि भिंडी की सब्जी बनाऊँ, तो भिंडी भी चॉप करनी पड़ेगी। सो खाना बना ही लेती हूँ फटाफट से, लेट्स गो। सो यहाँ पे मैं जो है भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, एंड मैं आपके साथ में थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। सो मैं जनरली थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, देन उसमें जीरा ऑनियन, एंड मैं साथ ही में जो है भिंडी कट करके डाल देती हूँ। जैसे जैसे मैं कट करती हूँ वैसे वैसे मैं ऐड करती जाती हूँ, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे। एक साइड में मैंने जो है गैस में वो ऑनियन वगैरह डाल के रखा था, तो वो वहाँ पे अलग से कुक हो रहा है, मैं यहाँ पे साथ ही में भिंडी कट करके डालती हूँ, जिससे जो है मेरा टाइम जो है बच जाता है। तो भिंडी को ऐड करने के बाद में मैं उसको 5 मिनट तक कुक करती हूँ, देन उसमें हल्दी थोड़ा सा, देन लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ा सा नमक और धनिया, और जो है मूंगफली को थोड़ा सा पीस के वो थोड़ा सा ऐड कर, मूंगफली को जो है थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लेना एंड देन उसको ग्राइंड कर लेना, तो ज़्यादा टेस्ट आता है। देन 5 मिनट के बाद में जो है मैं इसमें मैगी मसाले मैजिक जो रहता है सब्ज़ी वाला, तो वो मैं ऐड करती हूँ, तो उससे जो है टेस्ट एक नेक्स्ट लेवल की ऐड हो जाती है। सो भिंडी के बाद में मैं यहाँ पे जो है चपाती बना रही हूँ। ऑफिस के लिए लॉगिन कर देती हूँ। तो इसी टाइम पे जो है पार्सल भी आया था जो मैं गिफ्ट करने वाली हूँ, उसी में से ये एक पार्सल है।
तो चलिए अभी लंच करते हैं। सो लंच में यहाँ पे मैं भिंडी एक चपाती और यहाँ पे जो है साइड में मैं बटर मिल्क ले रही हूँ। सो मैंने अभी जो है खाना खा लिया है एंड थोड़ा सा टाइम है लंच ब्रेक ओवर होने के लिए। सो अभी मैं थोड़ा सा आधा घंटा है अभी। सो मैं थोड़ा सा जो है यूट्यूब थोड़ा सा देखूँगी या फिर प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स थोड़ा सा कुछ देखूँगी। शाम को मिलती हूँ मैं। जस्ट अभी मीटिंग ख़त्म हो गई है, हमारा काम भी जो है ख़त्म हो गया है एंड ख़त्म हो गया है मीन्स टी ब्रेक है अभी एंड कुछ लोग अभी भी है तो अभी काम चालू है। तो मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ एंड मैं मेक श्योर कर रही थी कि मैं म्यूट पे हूँ कि नहीं। सो यस मैं म्यूट पे हूँ एंड अभी जो है मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ एंड सोच रही हूँ कि साथ में ब्रेड बटर ले लूँ या फिर टोस्ट बनाऊँ या फिर सैंडविच बनाऊँ, लेट्स सी। बिकॉज मैं डिनर जो है वो स्किप करती हूँ, मैं डिनर नहीं करती हूँ, मुझे इतनी भूख नहीं लगती है घर पे रहती हूँ तो। सो आई स्किप द डिनर एंड आई हैव समथिंग स्नैक्स में। सो गाइस अभी जो है 8 बज रहे हैं एंड मैंने व्लॉगिंग नहीं किया, मैं भूल गई थी व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। सो अभी जो है मेरा ऑफिस का काम भी हो गया, एक दो पार्सल्स भी आए हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्या है। सो ये वाला जो पार्सल है वो मैंने मेरे देवर जी के लिए गिफ्ट लिया था। इसमें वॉलेट है, एक पेन है और एक किचन है। और ये जो दूसरा पार्सल है वो मैंने मेरे लिए लिया था और इसमें जो है ट्राईपॉड है। और आप देख सकते हो इतने बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्स में जो है इतना सा पैकेट दिया था जिसमें कि ट्राईपॉड था। पता नहीं इतना बड़ा क्यों कार्डबोर्ड दिया था। सो ये कुछ इस टाइप से जो है ट्राईपॉड है क्योंकि मेरा ट्राईपॉड जो है ख़राब हो गया था। सो इसीलिए मैंने ये वाला मंगवाया। सो मुझे इसकी क्वालिटी मतलब अच्छी थी प्राइस वाइज के हिसाब से। जिस प्राइस का ये है लाइक 450 रुपीज़ का समथिंग कुछ है ये, तो प्राइस के हिसाब से तो अच्छी क्वालिटी है। सो गाइस सबके गिफ्ट्स आ चुके हैं, सभी को जो है मैं न्यू ईयर या फिर क्रिसमस गिफ्ट या सब कुछ कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूँ, सब कुछ ऐसे ही मुझे एक गिफ्ट मेरी तरफ से देने का मन था। सो मैंने एक एक गिफ्ट उनके लिए लिया एंड मेरे लिए मैंने एक ट्राईपॉड लिया जो कि मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया। अच्छी है क्वालिटी ट्राईपॉड की क्योंकि मेरा एक ट्राईपॉड है पूरा ख़राब हो चुका है, मतलब टूट गया है। मैं इतने टाइम से उसको बस ऐसे ही जोड़ के यूज़ कर रही थी एंड आई थॉट कि सबके लिए ले रही हूँ, अपने लिए क्यों ना मैं एक ट्राईपॉड ही ले लूँ। सो फाइनली एक अच्छा ही मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं लिया, नॉर्मली लिया क्योंकि मैंने इसके पहले वाला जो था वो अच्छा खासा आई थिंक 1000 रुपीज़ का तो मैंने लिया ही था। मिनिमम 200 तक के भी आपको मिल जाते हैं बट मैंने 1000 रुपीज़ का लिया था अच्छा खासा, बट वो पता नहीं कैसे टूट गया। तो मैंने सोचा इस बार तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगी नहीं, 350 का शायद मैंने, हाँ 350 का मैंने एक ले लिया कि एटलीस्ट मैं उसको यूज़ कर सकूँ, ख़राब ना हो, और अगर ख़राब हो भी गया तो इतना मुझे दुख नहीं होगा। सो यस मैंने 350 का एक ट्राईपॉड लिया मेरे लिए, या गिफ्ट ही होता है। एंड यस मैंने आपके साथ में वो शेयर भी किया है कि मैंने क्या क्या दिया है। सो मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है उनको फेस वॉश, फेस स्क्रब और ये सब थोड़ा सा पैम्परिंग वाला थोड़ा सा अच्छा लगता है। सो मैंने उनके लिए बॉम्बे शेविंग कंपनी से वो एक किट लिया है। ओके एंड फिर मेरे देवर जी को जो है वॉलेट, उनके पास सब है बट स्टिल मैंने सोचा कि क्या दूँ, तो मैंने वॉलेट दिया एंड उसी में एक पेन भी है और एक किचन भी है। सो किचन का उनकी चाबी हमेशा गुम हो जाती है सो मैंने इसलिए उनको दिया। एक मिनट मुझे कॉल आ रहा है मेरे भाई का, बाद में बात करते हैं। ऑलराइट गाइस सो अभी बज रहे 8:30, मेरे भाई का कॉल हो गया एंड अभी 8:30 बज रहे हैं। सो
अभी कुछ खास है नहीं करने को बिकॉज सारा काम हो गया, ऑफिस का काम हो गया है, देन घर का ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म ही है, कितना ही करूँगी ना मैं भी दिन भर। सो अभी मैं और कुछ नहीं करने वाली हूँ। सो यस, और डिनर का जो है मैंने सुबह जो भिंडी और रोटी बनाई थी वो मेरे हस्बैंड ने नहीं खाए, जल्दी में थे तो डिनर का कुछ है नहीं अभी बनाने के लिए, बस शायद राइस बनाना पड़ेगा। सो मैं देखती हूँ उनको पूछ के कि खाएंगे कि नहीं, अगर खाएंगे तो फिर बनाऊँगी, और एल्स फिर मैं कुछ फिर है ही नहीं बनाने के लिए, क्योंकि मैं वैसे भी डिनर नहीं करती, मुझे भूख ही नहीं लगती है, क्योंकि शायद मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया, बट मैंने इवनिंग स्नैक में जो है एक कप चाय और दो ब्रेड बटर लिया था। सो उसमें से भी मैंने डेढ़ ही खाया, आधा मैंने खाया ही नहीं। सो बस यही है, मुझे भूख ही नहीं लग रही है, सो मैं नहीं खाऊंगी ज़बरदस्ती। एंड सो अभी 8:30 बज रहे हैं, एंड तीनों के, जैसे मैंने बोला कि तीनों के गिफ्ट आ चुके हैं, बस मेरी सासू माँ का गिफ्ट आना बाकी है। सो और यस, सैटरडे को जो है मेरे कज़न की शादी है, सो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो गिफ्ट जो है वो रेडी है, बस पैकिंग करना बाकी है गिफ्ट पेपर से। मेरे हस्बैंड जो है रात को आते वक्त गिफ्ट पेपर लेकर आएंगे, सो कल मैं जो है उसको प्रॉपरली गिफ्ट रैप वगैरह करूँगी। सो मैं कल का ब्लॉग एक शूट करूँगी नॉर्मल छोटा सा, सो या फिर वेडिंग वाला शूट करती हूँ, लेट्स सी। एंड फिर उसमें मैं शेयर करूँगी कि मैं, एंड उसी टाइम पे जो है मैं जो मेरे भाई के लिए लेके जाऊँगी कज़न के लिए गिफ्ट, तो वो वेडिंग गिफ्ट और जो इन लोगों का चारों का जो गिफ्ट है, चारों का गिफ्ट, तो उन चारों का जो गिफ्ट है तो वो भी मैं कल ही पैक करूँगी, क्योंकि वैसे भी कल भी मेरे हस्बैंड जो ऑफिस जाएंगे, तो उस टाइम पे मैं पैक करके रखूँगी। एंड अभी मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी, एंड उसके बाद में क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा प्लान बनाऊँगी, लेट मी शो यू। मेरे पास एक जो है, मैं दिखाती हूँ, मेरे पास एक डायरी है, उसमें मैंने ना मुझे जो भी यूट्यूब रिलेटेड आइडियाज़ आते हैं मैं उसमें लिख लेती हूँ, एंड फिर मतलब जितने भी आइडियाज़ आते हैं मैं उसमें लिख लेती हूँ, एंड जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उसको देखती हूँ, एंड फिर मैं वो उस रिलेटेड वीडियोज़ जो है बनाती हूँ। सो वो है, एंड अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा व्लॉगिंग करूँ, सो लेट्स सी कितना सक्सेसफुल हो पाता है, एंड लेट मी नो कि आपको मेरे जो व्लॉग्स है वो मराठी में देखने या एज़ यूजल हिंदी में देखने हैं, सो लेट मी नो। मैं मराठी पन खूब छान बोलते हैं, सो अगर आपको मराठी में व्लॉग देखने हैं तो डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर कर दिया करो, सब कुछ बोलना पड़ता है बट स्टिल थोड़ा शेयर कर दिया करो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी बिकॉज बहुत टाइम हो गया अभी यूट्यूब पे, थोड़ा सब्सक्राइबर्स भी बढ़ना चाहिए। आई नो कोलेब्रेशन वगैरह आते हैं बट स्टिल सब्सक्राइबर्स तो दिखने चाहिए ना, तभी तो अच्छा लगता है, क्योंकि इतना टाइम से हम लोग है अभी तो। वैसे या लेट मी नो, बिकॉज मुझे ना बहुत कमेंट्स भी आए कि यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस तुम कैसे शूट करती हो, कहाँ शूट करती हो, देन हाउ टू एडिट, और मतलब यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस भी जानने हैं, देखने हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ, या फिर मैं ऑफिस के साथ में घर के साथ में यूट्यूब कैसे मैनेज कर रही हूँ, तो काफ़ी लोगों को वो भी जानना रहता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता, सब लोग मुझे इंस्टा पे DMs क्यों करते हैं, यूट्यूब पे कोई कमेंट ही नहीं करते हैं कि ये सब मुझे हमें जानना है, या फिर जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स, दूर की फ्रेंड्स, सब मुझे व्हाट्सअप पे करते हैं या फिर इंस्टा पे DM करते हैं, बट यूट्यूब पे कोई नहीं पूछता है। तो अब से है आप लोग एक ध्यान में रखो, अगर आप लोग मुझे इंस्टा या व्हाट्सअप पे DM करोगे या फिर मैसेज करोगे तो मैं वो नहीं करूँगी जो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करेगा, सो मैं वही करने वाली हूँ। या दैट्स दैट, एंड या लेट्स एंड दिस वीडियो, मुझे ये वाला व्लॉग जो है अभी मैं एडिट करती हूँ, सो यू टुमारो, बाय।